आपके विंडोज में मैक कैफी का जो एंटीवायरस है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया है विदाउट परमिशन या बाय मिस्टेकली इंस्टॉल हो गया है, तो आप इसे कम्प्लीटली अनइंस्टॉल कैसे करेंगे? कि आपको अपने कंप्यूटर में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ, तो गाइस जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मेरा क्रोम ब्राउजर ओपन हो चुका है और आपको यहाँ पे टाइप करना है मैक कैफी। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको मैक कैफी टूल का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, मैक कैफी रिमूवल टूल जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे इसे टाइप करना है और टाइप करने के बाद अब आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको ये पहला वेबसाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मैक कैफी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। अब आपको यहाँ पे इसे स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एम सी पी आर का। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एम सी पी आर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे रिमूवल टूल, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको वापस से डाउनवर्ड कर स्क्रॉल डाउन करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको डाउनलोड दी एम सी पी आर टूल का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है और आपका जो जो टूल है रिमूवल टूल है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो वो टूल है यहाँ पे डाउनलोड हो भी गया है। और होने के बाद आपको करना क्या है कि आपको इसे ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये जो टूल है यहाँ पे ओपन हो चुका है और ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है और यहाँ पे एग्री करना है, मैंने यहाँ पे एग्री पे चेक मार्क करना है और यहाँ पे इसे भी नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे आपको कैप्चर को यहाँ पे डालना है। जैसे मैं यहाँ पे ये कैप्चर को डाल देता हूँ और यहाँ पे जो मेरा मैक कैफी है यहाँ पे इंस्टॉलिंग प्रोसेस अनइंस्टॉलिंग प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्रिपेयरिंग आपको यहाँ पे अनइंस्टॉलेशन का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, मैंने लिखा हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और ये मेरा अनइंस्टॉल हो रहा है, मैंने कम्प्लीटली यहाँ पे रिमूव हो रहा है जो भी जितने भी डायरेक्टरी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है मैक कैफी के साथ वो कम्प्लीटली आपका टोटली आपका जो कंप्यूटर से आपका रिमूव हो जाएगा। और गाइस अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो, फॉलो नहीं किए हो, तो जल्दी से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे दो तीन फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।